ये हमारे डॉक्टर अर्जद एंड हाफ डॉक्टर डॉक्टर शगुफ्ता सलमान, ये ले रही हैं शुतुरमुर्ग फेस वॉश। इस क्रीम से जो है वो आपको झुर्रियाँ जो फेस पे पड़ती है ना वो नहीं पड़ेंगी, इससे आप खूबसूरत हो जाएंगे, खूबसूरत। और ये लोशन है, ये बहुत अच्छा है फेस के लिए, ऑस्ट्रिच के सारे वो उससे बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये उसका ऑयल है जो उसके जो है वो गोश्त से निकाला जाता है। इसके अलावा ये फेस वॉश है, क्रीम भी है, ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ सस्ता मिल रहा है। हम बेसिकली ना मियामी विलेज जा रहे हैं, वहाँ पे जो है वो एक इमाम ज़ादे की ज़्यारत पे जा रहे हैं। इमाम ज़्यादा जो है वो यहिया है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। इस वक्त जो है वो शॉपिंग है, अभी हमारी पूरी गाड़ी है हमारे पास, यानी कि हम 12 लोगों का काफला है और अब जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बताएं, ये शहद है इसका? ये शहद ऑस्ट्रिच का नहीं है, मक्खियों का, वो भी छोटी मक्खी। वालेकुम, ये अली मदद। इस वक्त जो है हम इमाम ज़ादा याहिया के पास आए और मस्जिद से जो है वो तकरीबन जो है वो 50 माइल या 90 किलोमीटर के जो है वो दूरी पर है। ये एक मियामी विलेज है जो पीछे हम छोड़ कर आए, उससे 1 किलोमीटर आगे जो है ये पहाड़ों में बनाए। इससे आगे जो है वो पुराना रशियन बॉर्डर था, जो अब मौजूदा जो है वो आज़रबाईजान का बॉर्डर लगता है, क्योंकि आगे पहाड़ी सिलसिला बहुत है, तो यहाँ से कोई प्रॉपर ट्रेड और प्रॉपर जो है वो रोड मैप नहीं है। आए ज़्यारत करते हैं और इस सादात को जानते हैं कि इन्होंने कैसे जो है वो शहादत पाई और अब इस रुतबे तक कैसे पहुँचे कि इनका यहाँ पर मज़ार है और लोग जो है वो दूर दराज से इनके पास आते हैं। आए चले। इस वक्त जो है वो हमने हाज़री यहाँ पे दी है, शुक्राने के जो है वो 2 रकत नमाज अदा की है और इनको खराज तहसीन अदा किया है, शुक्रिया इनका अदा किया है, इसलिए कि इन्होंने वो कारनामे किए हैं जो आम लोगों से हटके हैं। आम सादात ने जहाँ इल्म और अमल फैलाया और अपने नाना का दीन फैलाया, वहाँ पे कुछ सादात ऐसे भी थे जो सादात के जुल्म सितम पर और उनके कद्दो गारत पर और उनकी बरहना कर देना, उन्हें गर्दनें उड़ा देना और बेआबरू कर देना उनकी इज़्ज़तों को और घर लूट लेना, बेइज्जतियाँ करना, ये बहुत सारी चीज़ों जब सादात ने बहुत सह लिया, जब एंड हो गया तो कुछ सादात जो है उनमें से खड़े हुए बनू उमैया यानी उमविया हुकूमत के ख़िलाफ़ और प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई आखिर हमें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है इतने अरसे से। ठीक है, जो हमारे आबाजदाद थे उनसे जो भी आपकी दुश्मनी थी, जो कुछ था आपने कर लिया, करबला हो गया, अब आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? हमें सुकून से रहने दें, ना हम किसी को तंग करते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं, जो भी हमारे दर पर आता है हम देते हैं उसको। हमारा जो है बायकॉट जो है हमसे जो इतना सख्त किया हुआ है वो ख़त्म किया जाए और हमें जो है सुकून का सांस लेने दिया जाए, ताकि हम भी अपनी ज़मीनों पर और अपने घर में आराम और सुकून से रह सकें। इसी को लेते हुए जो है वो इब्ने जैद जो थे वो उन्होंने स्टेप लिया और उनके कुछ कज़न्स भी साथ थे, भाई भी साथ थे,
जो मैंने आपको जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताया था कि अब्दुल्ला शाह गाजी के जो चचा थे वो किस तरह जो है उन्होंने उमविया हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की थी, यानी कि ये प्रोटेस्ट किया था जिसको उन्होंने बगावत का नाम दिया था। तो ये वही थे उनके चचा थे जिन्होंने ये किया था, इब्न जैद यानी कि जैनुल आबदीन के बेटे थे। और इनका जो मैं शजरा पहले आपको बताता चलूँ, इमामजादे याहिया इब्ने जैद इब्ने जो है वो जैनुल आबदीन है, और जैनुल आबदीन आपको पता है इमाम हुसैन ने करबला के जो है वो सबसे करीबी और सबसे जो है जिन्होंने जुल्म अपनी आँखों से देखा और अपने पुप्पो और बाकी ख़ानदान को लेके चले, वो अपनी मिसाल आप है। तो मैं आपको बता रहा था कि हज़रत इमामज़ादा यहिया के जो फ़ादर थे इब्ने जैद जो थे, उन्होंने वहाँ पे फिर एक तहरीक चलाई। तहरीक का मकसद यही था कि सादात को जो इतना निशाना बनाया जाता है वो हटाया जाए और सादात भी एक आम इंसान की तरह जो है वो अपने घरों में और अपने कारोबार कर सके, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो तंग दस्तियाँ हैं और जो रुकावटें हैं जो कद्दो गारत है वो दूर हो सके। तो उस सिलसिले में जो तहरीक चलाई उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत से सादात को जो है वो इकट्ठा किया, उनके साथ नॉन जो सैयद थे वो भी जमा होना शुरू हो गए, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि उमविया हुकूमत जो है वो कितना जुल्म ढा रही है। क्योंकि जितनी भी कोशिश की गई करबला के बाद भी, करबला से पहले भी और आज तक भी, वो यही है कि सादात किसी भी तरह जो है वो फले फूले नहीं, और वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो फ्रीज़ करके रखें, और वो इस ज़मीन फ़ानी से जो है वो मिट जाए। बट अल्लाह ने जिस का वादा किया है, हुजूर से वादा किया था, वो वादा तो पूरा रहेगा रहती दुनिया तक, चाहे आम लोग रहें या ना रहें, सादात में रहना है और वो रहेंगे इंशाल्लाह। तो उस सिलसिले में जब आगे बढ़े तो इनके वालिद, क्योंकि इनका इनकलाबी सरगर्मियों में जो थे वो एक्टिव हो गए थे, तो उमविया ने जो है वो इनको जो है उस वक्त जो खलीफा थे उमविया के, उन्होंने जो है इनको घेर के जो है वो शहीद किया गया। और इन जो जो दफन है वो हिल्ला, इराक़ का एक शहर है हिल्ला, वहाँ पे जो है वो इनका बहुत बड़ा जो है वो मकबरा है, यानी कि तुर्बत है इनकी, ज़्यारत की जगह है। इसके बाद जो है वो इमामज़ादा जो है वो यही जो है वो एक्टिव हुए अपने फादर की जगह, और अपनी माँ से जो है बहुत प्यार करते थे। उनकी मदर का नाम जो था वो रीता, यानी कि बीबी रीता था, जो मौला अली की और एक और फर्जंद थे जो मोहम्मद हनीफा के नाम से, हनीफिया या हनीफा के नाम से जो है वो मशहूर भी थे। जब वाकया करबला हुआ तो अक्सर लोग जो है वो इमाम जैनुल आबदीन के बजाय जो है वो उनसे अफसोस कर रहे थे। फिर जब जैनुल आबदीन मदीना पहुँचे तो उन्होंने कहा कि वक्त के इमाम जो है अब हैं वो जैनुल आबदीन है, कि आप उनसे अफसोस करें, ये उनके जो है वो नवासे थे। तो हज़रत यहिया जो है वो एक्टिव हो गए, फिर उन्होंने जो है वो अपने फादर की सरगर्मी अपने चचा के साथ मिलके जो है वो शुरू की और उसको ज़्यादा तेज़ किया। जब इनका दायरा तंग होने लगा तो झड़पें होती थी, घर में भी तलाशी ली जाती थी, तो ये वहाँ से जो है वो करबला की तरफ आए और अपने जद के पास आए, अपने दादा के पास आए, इमाम हुसैन के पास, और उसके वहाँ भी इनको नहीं छोड़ा गया, वहाँ भी मुखबरी हो गई। वहाँ से जो है वो मदाइन की तरफ ये गए हैं, वहाँ पे भी छुपते छुपाते रहे और अपनी सरगर्मियों को एक्टिव किया। वहाँ के जो सादात थे और जो लोग थे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की। मदाइन में भी जो है वो इनको जब नहीं रहने दिया तो ये वहाँ से जो है शहर रे की तरफ आए, वहाँ भी इन्होंने अपनी यही सरगर्मियाँ स्टार्ट रखी छुप छुपा के और ये करके। वहाँ से भी जब इनको जो है वो हुकूमत को पता लगा, उमविया हुकूमत को, तो वहाँ से जो है ये सड़क की सड़क एक शहर है जो मशहद से काफ़ी पहले है, तेहरान और मशहद के दरमियान में है कहीं, तो वहाँ पे भी जब इनकी एक्टिविटीज़ का पता लगा तो वहाँ पे भी कुछ झड़पें हुई। सड़क से जो है ये आगे और बढ़ते हैं, एक और इलाका है मीहक, वहाँ पे जो है ये अपनी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी और बढ़ाते हैं और अपने सहाबा जो भी इनके साथ लोग होते हैं उनको ज़्यादा एक्टिव करते हैं, और ताकि जो है ये ज़ोर तहरीक पकड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनमें शामिल हो। वहाँ पे भी कुछ झड़प होती है तो वहाँ से अपनी जान को बचाकर जो है और लोगों की ये आ जाते हैं शहर तूस की तरफ। शहर तूस में जब क़याम करते हैं कुछ अरसा तो वहाँ भी अपनी एक्टिविटीज़ जो है ये जारी रखते हैं और जो है वो लोगों को जमा करते हैं जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, तो वहाँ पे फिर एक झड़प होती है उनके, और काफ़ी क्योंकि तादाद बढ़ी होती है इनके सहाबा की भी,
और इनके करीबी जो होते हैं, तो वहाँ से जो है जब अमवी हुकूमत के साथ झड़प होती है तो अमवी हुकूमत क्योंकि ज़्यादा तादाद में होती है तो इनके घर बार जो भी साजो सामान होता है, कीमती चीज़ें होती हैं, वो लूट लेते हैं और ये अपना घर छोड़ के जो है इनको कहीं और मूव होना पड़ता है। जब शहर तू से ये लुटते हैं और इनके फॉलोवर्स को लूट लिया जाता है तो ये आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है वो एक साले इब्ने अहूर जो है नाम का बंदा उमरी हुकूमत ने भेजा होता है, जिसके साथ 8,000 जो है उसकी फ़ौज होती है जो साजो सामान से लैस होती है, उनका जो है मुकाबला करना पड़ता है इमामज़ादा याहिया को। तो उस नतीजे में, उस जंग में जो है वो बहुत से लोग शहीद होते हैं और इनको जो है तीर जो है वो इनके बिल्कुल पेशानी पे जो है यहाँ पे तीर लगते हैं, ज़ख्मी होते हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ शहीद हो जाते हैं। फिर साले इब्ने अहूर जो है वो इनका सर वहाँ कलम करता है खंजर से और वो जो है खलीफा को भेज देता है उमवी हुकूमत के। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सर कलम करके जो है ये उनकी माँ को भेज दिया जाता है ताकि इबरत के निशान के तौर पे कि तुमने जो बेटा पैदा किया था ये जो हमारे ख़िलाफ़ चल रहा था ये हमारी तरफ से तोहफा, ये तो अपना बेटे को ले लो। कुछ लोग कहते हैं कि उनको भेज दिया था और कुछ जो है वो ये कि वो कहते हैं खलीफा को भेजा, खलीफा ने जो है वो फिर उनकी मदर को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसके बाद जो शहर का गेट होता है, पहले ज़माने में शहर जो थे वो चार दीवारी में बंद हुआ करते थे और उन पर एक गेट लगा दिया जाता था ताकि हिफाजत हो सके और लुटेरों से और दूसरे लोगों से जंग जहाँ होती है मुखालिफों से बचा जा सके। शहर के बाहर 3 साल के लिए जो है इनका बदन को जो है बरहना हालत में जो है लटका दिया जाता है। एक छोटा सा यह क्वेश्चन आता है, 3 साल किसी की डेड बॉडी जो उसको हैंग कर दिया जाए इबरत के निशान के तौर पर, क्या हालत होगी उस माँ की, उनके औलाद की आगे, यानी कि उनके कजन्स की या लोगों की जो वहाँ रह रहे, कि इतने जालिम उमवी जिनकी हम तारीफ़ करते हुए नहीं थकते, जिनके जो है हम गाने गाते हैं उनके, सॉरी टू से, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगे, जो आप तो हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं। 3 साल के लिए जो है उनको वहाँ पे लटका दिया गया, 3 साल के बाद जो है वो नीचे उतारा, उनका गुस्ल दिया, तदफीम की और 1 हफ्ते का जो है उन्होंने उनका शोक मनाया। और उस साल जितने भी इस इर्द गिर्द के इलाकों में बच्चे पैदा हुए, लड़के पैदा हुए, उनका नाम याहिया रखा गया। ये छोटा सा उनका एक था जो उनके लिए उन्होंने उस वक्त ज़माने में किया। आज ये सादात कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी इनकी, अगर आपका भी 18 साल का बच्चा जो है वो इस दुनिया से चला जाए तो आप सारी ज़िंदगी सदमे में पड़े रहेंगे, या अक्सर लोग जिनके चले जाते हैं वो पड़े रहते हैं। ये यानी कि इमामज़ादा याहिया जो है वो 107 हिजरी में पैदा हुए, यानी कि 725 में जो है ये पैदा हुए हैं और इनकी तारीख़ शहादत जो हुई है वो तकरीबन जो है वो 125 यानी कि 742 के करीब जो है वो इनकी शहादत है। सिर्फ 18 साल का पीरियड है जिसमें जो है इन्होंने इतना बड़े कारनामे किए। यहाँ लोग ऐसे ही नहीं अब आ जाते, खुदा ने सादात को उनके मरने के बाद भी उनकी जिसमें खाकी को भी ज़िंदा रखा हुआ है और उनकी तुर्बत पे आते हैं और लोग आज भी यहाँ मन्नतें मुरादें मांगते हैं, यहाँ पे लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, जिस्मानी रूहानी दिमागी हर तरह के मसले यहाँ हल होते हैं। कैसे हो जाते हैं, आपके और मेरे आबा अजदाद में ये क्वालिटी क्यों नहीं है? ये जो सादात हैं इन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं अल्लाह की राह में और अल्लाह के जो नाम ले ज़िंदा रहने के लिए, जो अपने नाना का दीन को ज़िंदा रखने के लिए इन्होंने शहादतें दी, इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो आज ये कुर्बानियाँ और जो शहादतें नज़र आती हैं। अब हमारा बिलीफ हो या ना हो, ये एक हकीकत है जो हमें फ़ेस करनी है, जो हमें दिख रही है, जो हमें मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी किताब में लिखी हो, चाहे हदीस व कुरान में हो या ना हो, ये एक फैक्ट बात है। खुदा ने अपने नुमाइंदे रखे हैं, बस हमारी नज़रें ख़राब हैं कि हम पहचानते नहीं हैं। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, दिल दुखाया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मेरी इस्लाह ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।